जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने लद्दाख में आमरण अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन उनका यह अनशन कई सवाल छोड़ गया है। सोनम वांगचुक एक जाने माने इंजीनियर, एक्टिविस्ट, इनोवेटर है, जिन्होंने अपने क्रिएटिव इनोवेशन से ना सिर्फ लद्दाख का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कई अवार्ड भी जीते हैं और हाल ही में वो सुर्खियों में भी आए, लेकिन इस बार अपने आमरण अनशन की वजह से। पर आप जानते हैं क्यों? सोनम वांगचुक इनिशिएटेड क्लाइमेट फास्टिंग फॉर द राइट्स ऑफ लद्दाख। पर क्या है ये राइट्स जिनके लिए सोनम वांगचुक और उनके साथ सैकड़ों और लोग क्लाइमेट फास्ट पर बैठे हैं, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर द टेम्परेचर्स गो एज लो एज -15 डिग्री सेल्सियस। आइए बताते हैं आपको डिटेल में। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के 21वें दिन पर इसे खत्म करने का फैसला कर लिया, पर ये उनके कॉज का अंत नहीं है। उनकी जगह अब विमेन एक्टिविस्ट इस फास्ट को जारी रखेंगी। इनके अनशन की शुरुआत 6 मार्च से हुई। ये मुख्य रूप से 4 मांगे कर रहे हैं। पहला, लद्दाख में 6 शेड्यूल जारी किया जाए। दूसरा, इन्हें फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, इनके 2 इलेक्टेड एमपी हो। फिलहाल लद्दाख की तरफ से लोकसभा में केवल 1 एमपी है और राज्यसभा में 0। और चौथा, लद्दाख को पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाए, जिससे लद्दाख के लोगों को सिक्योर जॉब्स मिले। अब आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि ये तो भाई बड़ी ही बेसिक सी डिमांड्स है, सरकार हमारी रीजनेबल है तो उनसे बातचीत क्यों नहीं कर सकते। तो बातचीत हुई, पर सरकार से बातचीत के बाद जब उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो 6 मार्च से उन्होंने अनशन पर जाने का फैसला लिया। एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन। पर यहाँ वो लद्दाख की किस आवाज की बात कर रहे हैं जो अनसुनी जा रही है? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है अगस्त 2019 की, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। 370 क्या था ये तो सबको पता है, पर फिर भी आपको ब्रीफ में समझा देते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार देता था, और जो बाकी का भारत है उसका अलग संविधान है। इसके साथ ही आर्टिकल 35A भी हटा दिया गया, जो बाहरी लोगों को कश्मीर में सेटल होने देने की इजाजत नहीं देता था। पर 370 और 35A हटाने के बाद यहाँ के लोगों को बहुत सारे वादे किए गए इन रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट एंड गुडविल ऑफ बोथ रीजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर में नो डाउट काफी एडवांसमेंट हुआ, वहां पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो या टूरिज्म से जुड़ी या जॉब से जुड़ी। पर लद्दाख ऑन द अदर हैंड, लद्दाख के एरिया में जहाँ सिवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहां की जमीन बंजर है, वहां पर जॉब्स की कमी है, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी है, और सबसे बड़ी बात, लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ की मेजर पॉपुलेशन ट्राइबल कैटेगरी में आती है। यहाँ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन काफी भारी मात्रा में है। इनके अलावा स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्राइबल है, इसलिए इन्हें 6 शेड्यूल प्रोवाइड करवाया गया है। मतलब अब आप सोच के देखिए, जिस एरिया की 79% पॉपुलेशन ट्राइबल कैटेगरी में आती है, उनको 6 शेड्यूल मिलना क्यों लाजमी नहीं है। आइए आपको पहले बताते हैं कि 6 शेड्यूल आखिर होता क्या है और लद्दाख को इसकी जरूरत क्यों है। 6 शेड्यूल मदद करता है डेमोक्रेसी को ठीक रूप से संचालित करने के लिए, बाय गिविंग द पावर टू द ट्राइबल पीपल, ताकि वो अपने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी कि ADC और अपने ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स यानी कि ARC चुन सकते हैं। ये ADCs और ARCs के पास पावर होती है उस पर्टिकुलर ट्राइबल रीजन के सफल एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रखने की। यहाँ का कल्चर, यहाँ की जमीनें, नेचुरल हैबिटेट जैसे इनके जंगलों को बचाने और सही रूप से संजो के रखने की। अब लेह लद्दाख के पास जंगल तो है नहीं, पर यहाँ पर वो है जो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। आपको पता है जो हिंदू कुश हिमालयन रेंज है, उसे दुनिया का थर्ड पोल और द वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि पोलर रीजन्स के बाद ये दुनिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आइस एंड फ्रेश वाटर है। इस समय लेह लद्दाख, जो इस रीजन का ही हिस्सा है, एक बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है। अगर इन विंटर्स की ही बात की जाए तो नवंबर 2023 से लेकर लेट जनवरी 2024 के बीच जो यहाँ का पीक विंटर टाइम होता है, उसमें यहाँ बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुआ है। यहाँ की स्नो, यहाँ के ग्लेशियर्स एक अलार्मिंग रेट पर पिघल रहे हैं। हिमालयन आइस के इतने तेजी से पिघलने के चलते यहाँ बाढ़ और एवलॉन्चेस जैसी स्थितियां जन्म ले सकती हैं। और सरकार इसके बारे में कुछ करना तो दूर, इसे एक थ्रेट के रूप में भी नहीं देखती। यहाँ की नेचुरल बायोडायवर्सिटी को इसी तरह अगर एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो ना सिर्फ पानी पर इनके पहाड़ों को भी खतरा है। दुनिया भर में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, पर हमारी सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन,
जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते, आज की लूट मचाने में लगे हैं, हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। खैर, वो एक अलग ही टॉपिक है। अभी तो हम वापस मुद्दे पर आते हैं। तो लद्दाख के लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसके लिए प्रोटेस्ट चल रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए डिसीजन बनाने के लिए सक्षम हो। हेंस द डिमांड फॉर सिक्स शेड्यूल। यहाँ इनकी जो दूसरी डिमांड है वो है फुल स्टेटहुड की। क्यों चाहते हैं ये फुल स्टेटहुड? तो 5 अगस्त 2019 को जब लद्दाख को इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, तो इसके मुख्य शहर बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह की सड़कें खुशी से झूम उठी। इस हिमालयन डेजर्ट के लोगों को उम्मीद थी कि रूलिंग पार्टी बीजेपी का ये कदम उनकी लैंड्स और उनके लाइवलीहुड की रक्षा करेगा। पर जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहाँ आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि आज से 4 पहले खुद अभी की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने 6 शेड्यूल को जारी करने की डिमांड की थी। इनफैक्ट उनके मैनिफेस्टो का पार्ट था ये, अंडर द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ लद्दाख सेक्शन, जिसमें लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के मद्देनजर 6 शेड्यूल जारी करने की बात कही है इन्होंने। पर फिर ये मैनिफेस्टो बस एक कागज पर ही रह गया और कभी धरातल पर आया ही नहीं। 4 के लंबे इंतजार के बाद लोगों की आशा ने अब गुस्से का रूप ले लिया है। लद्दाख के लोगों को अब डर है कि उनकी सहमति के बिना नई दिल्ली में सैंक्शन डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से लद्दाख के ऑलरेडी नाजुक इकोसिस्टम को खतरा होगा। उन्हें ये भी चिंता है कि भारत के और हिस्सों से लोग वहां बस जाएंगे, जिससे रीजन की मुख्य रूप से ट्राइबल डेमोग्राफी बदल जाएगी और एक तरह से लद्दाख के लोग अपने ही रीजन में माइनॉरिटी बन जाएंगे। लोगों को लगने लगा है कि भारत लद्दाख को दूसरे तिब्बत में बदल सकता है। तिब्बत इसलिए क्योंकि चीन ने वहां पर फुल कंट्रोल लेकर उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके उन्हें अपने ही रीजन में माइनॉरिटी बना दिया है। यहां उनकी तीसरी मांग भी इसी से रिलेटेड है, जो है रीजन ऑफ लेह लद्दाख से 2 MPs की डिमांड। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी रीजन में तो लेजिस्लेचर है, लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी में नहीं। पिछली जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस रीजन से 4 MLAs थे, पर अब इस पूरे रीजन का गवर्नेंस पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में है। जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा है, पर लद्दाख के पास नहीं है। इनके रीजन से लोकसभा में भी बस एक मेंबर है और राज्यसभा में तो एक भी नहीं। मतलब स्टेट लेवल पर किसे चुनना है इसके लिए कुछ है ही नहीं। वोट सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए डाल सकते हैं ये लोग, पर अगेन एक ही MP है इनके पास। तो स्टेट लेवल पर स्टेटहुड और सेंट्रल लेवल पर 2 MPs। एक स्टेट के लिए ये 2 सबसे बेसिक चीजें हैं, जो अगर एक स्टेट के पास ना हो तो क्या उसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं? ये जो आज सोनम वांगचुक कर रहे हैं, ये कोई एक रात में नहीं हुआ है, ये कोई हेस्टी डिसीजन नहीं है, सालों से चला आ रहा है ये। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद NCST ने उसी साल सितंबर में यूनियन होम मिनिस्टर और यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को रेकमेंड किया था टू इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर क्या हुआ उसका? नथिंग। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, विच वॉज देन फॉलोड बाय अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेम। और ये उनकी पहली प्रोटेस्ट तो थी, पर आखिरी नहीं। इसके बाद लद्दाख के ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस होने थे, तो उस समय माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया कि इलेक्शन के 15 दिनों बाद ही जनता की सारी डिमांड्स पूरी की जाएगी, जिसको मानकर प्रोटेस्ट वाज कॉल्ड ऑफ और बीजेपी जीत भी गई, पर वादे धरे के धरे रह गए। उसके बाद फिर 2021 दिसंबर और 2022 नवंबर में इन्हीं मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, पर फिर भी कोई हल नहीं निकल कर आया। और अब हालात जो बन गए हैं वो आपके सामने हैं। लद्दाख भारत का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की हेरिटेज, यहाँ की मॉनेस्ट्रीज जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ का वातावरण ऐसा है जैसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लोग इतने सीधे साधे, इतने प्यारे। हमारे देश को इस समय जरूरत है इस मामले को सीरियसली लेने की, देश की इस ब्यूटीफुल हेरिटेज और यहाँ के इकोसिस्टम को बचाने की। और इस बार सोनम वांगचुक और लद्दाख वासियों ने भी ठान लिया है कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी ये नहीं रुकेंगे।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।